जय दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश एनआईएस फिजिकल बॉक्सिंग कोच। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे आर्मी में जो रनिंग होगी, आर्मी 1600 मीटर रनिंग स्टार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि 1600 मीटर जो रनिंग होता है उसको स्टार्टिंग पॉइंट कैसे करें, क्या क्या स्थितियां होती है। आपका ये पहला राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड हो गया, ये तीसरा राउंड हो गया, ये चौथा राउंड, यानी ये 400, ये 800, ये 1200 और आपका यहां पे 1600 मीटर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तब बात करते हैं जो पहला राउंड स्टार्ट करना है, आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या चीजें रहेंगी। आपको सबसे पहले बता दें कि यहां पे जो होगा इतनी आपको डिस्टेंस मिलता है, इतना चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है आपको ये डिस्टेंस मिलता है, यहां पे इसके अंदर आपको रनिंग करना होता है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इसमें कोई लेन नहीं बना होता है कि कोई कोई भी किसी लेन में एक ही लेन में दौड़ेगा। इसमें क्या किया जाता है कि 50 की भीड़ यहां पे आपको बैठा देगा, यहां से लेके यहां तक की 50 से 300 जो भी भीड़ जो आर्मी रैली भर्ती ले रही होती है उसके हिसाब से ये प्रक्रिया चलती है। तो याद रखिएगा ये 400 मीटर वाला अभी हम बता रहे हैं। जब हम स्टार्टिंग प्वाइंट करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ इतना अधिक भीड़ होता है कि रनिंग निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे प्लेयर गलतियां क्या करते हैं, वो स्पीड निकालने की रनिंग कोशिश करते हैं, जिसके कारण क्या होता है या यदि आपके यहां एक प्लेयर चल रहा है, एक यहां चल रहा है, एक यहां चल रहा है, किस किनारे चल रहा है, ऐसे दौड़ रहे होंगे आपके प्लेयर ये। तो आप मान लीजिए यहां है तो यहां से निकलते हैं तो इसको पछाड़ेंगे तो इधर कटेंगे, तो फिर मान चला इधर आए तो इससे बचना पड़ेगा, तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, स्पीड जा रहे हैं और स्लो होना पड़ेगा। उसमें क्या होता है आपकी एनर्जी बहुत अधिक खर्चा होता है और आप लमसम यहां से 300 मीटर जाते जाते इस कॉर्नर तक 300 मीटर जाते जाते आप थक जाते हैं और पहला राउंड आप या तो छोड़ देंगे या तो बहुत अधिक दूसरे राउंड में यहाँ रनिंग आप छोड़ देते हैं। तो इससे बचने के लिए और रनिंग क्या स्टार्टिंग पॉइंट होती है, कैसे स्टार्टिंग करना चाहिए वो बता रहे हैं। देखिए पहला राउंड जो है आपको रनिंग जो स्टार्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस रनिंग को जब स्टार्ट करिए तो मीडियम स्पीड होना चाहिए। आपको मैंने रनिंग की स्पीड बताई है, स्लो मीडियम फास्ट और फास्ट, ये पांच प्रकार की आपको मैंने रनिंग बताई है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपको मीडियम फास्ट रनिंग से आपको रनिंग करना है और लंबे स्टेप खोलना है, पूरा हैंड खोलना है। देखिए हैंड भी लोग खोलते हैं तो कैसे, आगे तो पूरा उठा लेंगे, पीछे नहीं फेंकते, पीछे हैंड आपको फेंकना है। आपको एक बार और दिखा दे रहा हूं पोजीशन, ये पीछे आप फेंकना है, जब हाथ नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो स्ट्रेट ले जाएंगे, जब नीचे लाएंगे तो इस पोजिशन को मोड़ लेंगे, पीछे की ओर फेंकेंगे। इससे क्या होता है हवा की जो पावर होती है वो आप हाथ से पीछे की ओर खींचते हैं, इस स्थिति में ले जाने में हवा जो होती है हाथ से कट जाते हैं, इस स्थिति से हवा से पीछे फेंकते हैं तो जिससे और हमको स्पीड मिलती है। उसमें क्या होगा कि जो बहुत अधिक स्पीड निकल रहा होगा आपको मालूम चला, जब तक आप एक राउंड इसको पूरा करेंगे यहां पे जब आएंगे तो आप देखेंगे अगला जो प्लेयर अगला जो चल रहा होगा यहां के आसपास चल रहा होगा। अगर आपने स्पीड उठाया है और जब यहां पे आएंगे तो आप देखेंगे वो यहां पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि फर्क क्या होता है, जब हम लॉन्ग स्टेप और मीडियम स्पीड से चलते हैं तो इन जो ये आगे हमारे प्लेयर पड़ते हैं इनको काटना आसान हो जाता है, हम अपने हिसाब से काट लेते हैं। और रनिंग आपको कहां करना है, इस पॉइंट को पकड़ के पूरा रनिंग करना है, ये वाला पॉइंट, ये जितना इस लाइन से अंदर चिपक के आप रनिंग करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको उतना फायदा होगा। आप अंदर लेन को पकड़ने की कोशिश करिए, बार बार आप एक बार लेन पकड़ लिए फिर मान चला इधर आए इस लड़के को काट, इसी लेन में चलिए, इस लेन में चलिए, कोशिश करिए इधर से काटिए, इधर की ओर से काटिए, अगर जगह है जरा समय तो इधर से काटेंगे तो टाइमिंग आपको कम पड़ेगा और जगह भी मिलेगा। अगर आप इधर से काटते तो इतना तो काटे फिर इतना गए फिर इतना काटे फिर इतना गए तो आप तो ज्यादा दौड़ रहे हैं।
तो इसके बढ़िया है कि आप अंदर की ओर से उसे काटने का प्रयास करिए। दूसरा राउंड में आपको क्या करना है, इसमें स्लो मीडियम हो गया, दूसरा राउंड जो होगा आपका ये आपकी रनिंग चलेगी फास्ट। अब यहां आपकी रनिंग यहां से जैसे आप पार कर रहे होंगे, यहां से स्टार्टिंग हुआ यहीं पे एंड होगा, जैसे आप यहां आ जाएंगे यहां से रनिंग आपको फास्ट कर देना। जब आप फास्ट करेंगे और फास्ट जो बोलते हैं वो फास्ट करते करते आपको रनिंग यहां तक आना है। उसके बाद क्या करना है, यहां से लेके अब इस मोड़ तक, इस जहां मोड़ होता है वहां तक आपको मीडियम में आ जाना है, फिर मीडियम पेस पेस करना है, उसके बाद लंबी ब्रीदिंग करनी है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है, उसके बाद फिर ये मीडियम साइड से जो दूसरा राउंड होगा आपका, ये दूसरा राउंड फुल स्पीड से, तीसरा राउंड फिर स्लो कर देना है। स्लो करने से यानी मीडियम स्लो करना है, मीडियम स्लो करके लंबे स्टेप रखने हैं और लंबा गहरा ब्रीदिंग करना है और सांस को अंदर लेना है और निकालना है। उससे क्या होगा, आपके लाल रक्त कणिकाएं जो है उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति होगी, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को भेज देगा जो कि कार्य करने की क्षमता के आपको बढ़ा देगी। जब कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी कि आप तो आपका थकान खत्म हो जाएगा, उसके बाद लास्ट राउंड जो चौथा बचेगा उससे पहले जब आप यहां पे पहुंचेंगे 300 मीटर जब आपका बाकी रहेगा तो आपको क्या लगेगा कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि मैं चौथा राउंड यानी यहां से जो 500 मीटर रनिंग बचा हुआ है चौथा राउंड तो मैं पूरा 500 मीटर स्पीड से निकाल सकता हूं। तो आप क्या करेंगे, यहीं से स्पीड अपना बना लेंगे और कहां तक, फिर इसी पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, लेकिन आप यहां पे जब आएंगे आधा पे तो आप पूर्णतः लमसम थक चुके होंगे, अब बॉडी काम नहीं कर रही होगी और आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब रनिंग छोड़ दे। वहीं पे क्या करना है, पूरे हाथ को आगे पीछे फेंकना है, तो उससे क्या होगा आपके पैर में जो कार्य करने की क्षमता अधिक थी अब वो आपकी हैंड करेगा और पैर अपने आप ऑटोमेटिक आगे की ओर तेजी से बढ़ता चला जाएगा। उससे आप चौथा राउंड पूरा जो आपके यहां से 200 मीटर बचेंगे यहां से, क्योंकि ये तो 200 मीटर आपने कर लिया, यहां से 200 मीटर जो बचेगा उसको आप आसानी से यहां चौथे राउंड में पूरा करेंगे। और यहां पे जब आप देखेंगे तो यहां जब ये आप दूसरा राउंड पार करेंगे, जब आप ये दूसरा राउंड पार करेंगे तो मालूम चला यहां पे 5 से लेके 8 लोग आपसे आगे चल रहे होंगे और तीसरे राउंड में आएंगे तो आपको मालूम चलेगा, क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से थक चुके होंगे और आपके अंदर एनर्जी यहां ले रहे हैं, बार बार एक छोड़ रहे, एक ले रहे, एक छोड़ रहे, एक ले रहे। यहां पे आपके 4 से लेके 6 लोग आपके आगे होंगे। जब इस फील्ड में पहुंचेंगे चौथा राउंड में तो आप देखेंगे कि सबको बीट करके पहले स्थान पे आ जाएंगे, अगर जैसे मैं रनिंग बता रहा हूं ऐसी प्रक्रिया किया तो। और याद रखिएगा, ग्राउंड बनाने का जो सबका तरीका होता है, जो 1600 मीटर रनिंग के लिए ग्राउंड बनते हैं वो आप देख लीजिए, सिंपल ग्राउंड बनते हैं, ये 100 मीटर का होगा, ये 100 मीटर का सीधा नाप लिया जाता है ज्यादातर लोग जो ग्राउंड बनाते हैं, ये 100 मीटर का होगा। क्या करता है, इस गोले को ऐसे घुमा देता है और इस गोले को ऐसे घुमाते हुए थोड़ा सा मिला देता है, ऐसे ले आता है और ऐसे मिला देता है, इस चीज को वो मिटा देता है। ये हुआ, आप देखेंगे एकदम ग्राउंड आपको गोल दिखेगा और ये थोड़ा सा स्ट्रेट दिखता है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा स्ट्रेट दिखता है, बाकी पूरा ग्राउंड गोल दिखता है। लेकिन जो ग्राउंड रियल बनाने का तरीका है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आपको आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ग्राउंड के बारे में भी जानना आपको जरूरी है और किस आधार पे करना है रनिंग वो भी जरूरी है। तो याद रखिएगा, पहला जो होगा मीडियम फास्ट से पूरा हाथ खोल के दौड़ेंगे और अंदर की ओर से काटेंगे, ये नहीं कि ये जो बालक है इसको बाहर से काटे, अगर बाहर से काटेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, अंदर की ओर से थोड़ा सा ढकिया के अंदर की ओर से आप काटेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और डिस्टेंस भी आपको कम कवर करना पड़ेगा। ज्यादातर प्लेयर बाहर से जो काटते हैं उनको 450 मीटर से लेके 500 मीटर तक एक्स्ट्रा, मतलब 50 मीटर से 100 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ता है, यानी 450 और 500 मीटर तक वो दौड़ते हैं।